एक बार फिर मोदी सरकार की अग्निपथ योजना चर्चा में है। इस योजना का देश के युवाओं से लेकर विपक्ष ने भी पुरजोर विरोध किया है, जिसके बाद मोदी सरकार बैकफुट पर आते हुए नजर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना को लेकर अहम घोषणा की है। उनकी इस घोषणा के बाद से अग्निपथ योजना एक बार फिर सवालों में है। तो क्या है ये अहम घोषणा, क्यों एक बार फिर सवालों से घिरी अग्निपथ योजना, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना की नींव रखी थी। इस योजना के लागू होते ही इसका विरोध शुरू हो गया था। पूरे देश के युवाओं ने इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने योजना लागू कर दी। फिर भी इसका विरोध शांत नहीं हुआ और अब ये योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निपथ योजना में बदलाव के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना को युवाओं की जरूरत है। मुझे लगता है कि युवा उत्साह से भरा होता है, वे टेक लवर होते हैं। जरूरत पड़ी तो हम इस योजना में बदलाव भी करेंगे। कांग्रेस ने इस योजना को युवाओं के साथ धोखा बताया है और वो शुरुआत से ही इस योजना का विरोध करती आई है। कांग्रेस ने इसे अपने चुनाव कैंपेन के मुख्य मुद्दों में भी शामिल किया है और इसके साथ ही कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इसे बंद करने की बात कही है। आपको बता दें, मोदी सरकार की इस योजना के तहत युवाओं को सेना में केवल 4 साल के लिए सेवा का अवसर दिया जाएगा और उन्हें सैनिकों को मिलने वाली अन्य सभी सुविधाएं भी नहीं दी जाएंगी, ना रिटायरमेंट पर पेंशन, ना ही भविष्य के लिए कोई ऑप्शन। इसलिए इस योजना को लेकर युवाओं में भारी असंतोष नजर आ रहा है और अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार भी बैकफुट पर आते हुए नजर आ रही है और योजना में बदलाव की बात सामने आ रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।